पहला सीधे ले चलती हूँ आपको आज के मुख्य समाचारों की ओर। सरकार के टोल वसूली नियम के विरोध में दिया ज्ञापन। एकता दिवस के रूप में मनाई पटेल की जयंती। समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास पर हुआ मंथन। आंजना रात्रिकालीन कबड्डी में रतनपुरा खेड़ा रही विजेता। मंडवारिया क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। नागानी में देवासी समाज की प्रतिभाओं को नवाजा। बेटी के जन्म पर संघर्ष संस्थान ने बांटे बधाई पत्र। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के टोल वसूली नियम के विरोध में दिया ज्ञापन। विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार के द्वारा जनता पर पुनः टोल टैक्स का भार डालने के विरोध में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रूंबाराम चौधरी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान चौधरी ने भाजपा सरकार द्वारा स्टेट हाईवे पर लगने वाले टोल को माफ करने के बाद अब गहलोत सरकार द्वारा पुनः टोल प्रारंभ करने का विरोध किया। आबु पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने यह कहते हुए कि इससे हमें 300 करोड़ की आय होगी और इससे हमें सड़कों के रख रखाव करेंगे, जबकि जब भाजपा की सरकार थी तब ऐतिहासिक रूप से सड़कें बनी थी। भाजपा की सरकार लगभग 18 वर्षों तक रही और करीबन 64,000 किलोमीटर सड़कें बनी और उनका रख रखाव भी हुआ। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। एकता दिवस के रूप में मनाई पटेल की जयंती। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय महाविद्यालय आबू रोड की NSS इकाई द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वां जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर अनिता गुप्ता के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य गुप्ता ने स्वयं सेवकों व कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। NSS प्रभारी पूनम चंद ने स्वयं सेवकों को दोनों महान विभूतियों के जीवन परिचय से अवगत करवाया। इसी कड़ी में डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल व इंदु आसेरी ने राष्ट्र की अखंडता एवं सुरक्षा के प्रति स्वयं सेवकों को प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर हनुमान सिंह चौहान, महेंद्र देवंदा, भगवान देव इनानी सहित विद्यार्थी व आचार्यगण उपस्थित रहे। समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास पर हुआ मंथन। स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती पिंडवाड़ा में राजपूताना सेवा संस्था सिरोही का द्वितीय प्रतिभावान सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह समीपवर्ती अजारी के निकट पधारो सामने आयोजित हुआ। इस स्नेह मिलन समारोह में सिरोही एवं पाली जिले के संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। स्नेह मिलन में आगंतुक अतिथियों ने समाज को एकजुट करने का संकल्प दोहराया एवं बेटियों को शिक्षित बनाने की बात कही। इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में पाली एवं सिरोही जिले के विभिन्न स्थानों से आए 41 प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं नव पद स्थापित युवाओं को सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में बालिकाओं का तलवार के साथ नृत्य आकर्षण का केंद्र बना। इस समारोह में संस्था के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान, मंत्री हरि सिंह झाड़ोली, कोषाध्यक्ष जोरावर सिंह सिसोदिया, अश्विन सिंह चौहान अजारी, हरि सिंह वाटेरा समेत काफी लोगों ने शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अतिथि मेड़वे कॉटेज आबूरोड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर आबूरोड वासियों के साथ समस्त जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अतिथि मेड़वे कॉटेज में AC और नॉन AC रूम, आधुनिक फर्नीचर से युक्त उपलब्ध होने के साथ AC रेस्टोरेंट। अतिथि मेड़वे कॉटेज, नेशनल हाईवे नंबर 14, गुजरात बॉर्डर, मावल, आबूरोड, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166547666 7665582233। राधा भीम शंकर सिंगल पूर्व अग्रवाल महिला मंडल उपाध्यक्ष की ओर से दीपोत्सव के पावन अवसर पर समस्त आबूरोड वासियों के साथ जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राधा भीम शंकर सिंगल पूर्व उपाध्यक्ष अग्रवाल महिला मंडल आबूरोड जिला सिरोही। दीपावली एवं नूतन वर्ष के शुभ अवसर पर साहिल डिजिटल स्टूडियो आबूरोड की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लईक अहमद संवाददाता, जन समय न्यूज आबूरोड। मोहम्मद जुनेद आदिल, मोबाइल नंबर 9829234170 9828252536 9950064786। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंजना रात्रिकालीन कबड्डी में रतनपुरा खेड़ा रही विजेता। नरेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार रेवदर कस्बे के समेत दांतराई गांव में आंजना समाज महादेव जी परगना की ओर से रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसमें 9 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच रतनपुरा खेड़ा बनाम धार के बीच में खेला गया, जिसमें रतनपुरा खेड़ा की टीम विजेता रही। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच दातराई बनाम भामरा के बीच खेला गया, जिसमें दातराई की टीम विजेता रही। इसी प्रकार फाइनल मुकाबले में दातराई बनाम रतनपुरा खेड़ा के बीच में खेला गया, जिसमें अंतिम क्षणों में खेड़ा ने बाजी मारकर मैच को अपने कब्जे में लेकर 4 पॉइंट से विजेता रही और दातराई उप विजेता रही। वहीं विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। मंडवारिया क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। विजय प्रकाश वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार मंडवारिया क्रिकेट क्लब द्वारा ग्राम मंडवारिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में क्रिकेट क्लब की प्रतियोगिता का उद्घाटन किसान कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। उक्त प्रतियोगिता में कुल 11 टीमें भाग ले रही हैं एवं इनका समापन 3 तारीख को किया जाएगा। कार्यक्रम को महेंद्र तीर्थ गिरी महाराज ने भी संबोधित किया और उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल को खेल की भावना से खेलने की नसीहत दी। इस अवसर पर भाजपा के कांतिलाल पुरोहित सरपंच, दलपत पुरोहित शिक्षक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश माली, भजन कलाकार गोपाल सिंह, युवा खिलाड़ी किरण रावल सहित कई लोग मौजूद थे। नागाणी में देवासी समाज की प्रतिभाओं को नवाजा। नरेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार रेवदर के निकट नागाणी गांव स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार को देवासी समाज मालगा पट्टा द्वारा द्वितीय बालिका शिक्षा सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह व स्नेह मिलन समारोह का आयोजन पूर्व मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा एवं पूर्व विधायक रानीवाड़ा रतन देवासी व स्थानीय विधायक जगसी राम कोहली के मुख्य आतिथ्य एवं महंत तीर्थगिरी महाराज के सानिध्य में किया गया। समारोह में उपस्थित समाज के लोगों व प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए अतिथियों ने समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज को नशा मुक्त करने, बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करवाने को लेकर आग्रह किया। इस दौरान समाज के प्रतिभावानों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर देवासी समाज के गणमान्य लोगों सहित छात्र छात्राएं, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बेटी के जन्म पर संघर्ष संस्था ने बांटे बधाई पत्र। नरेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार रेगदर के समीपवर्ती लुनोन गांव में गर्भवती महिलाओं द्वारा लड़की को जन्म देने पर संघर्ष संस्था लुनोन द्वारा घर घर जाकर महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें बधाई पत्र बांटे गए। संघर्ष संस्था के नीमपुरी गोस्वामी ने बताया कि गांव में गर्भवती महिलाओं द्वारा बेटी को जन्म दिया है, उनसे मिलकर उनका आभार जताया कि उन्होंने एक लक्ष्मी को जन्म दिया है। बेटी घर में लक्ष्मी के रूप में आती है, साथ ही उन्होंने लड़की व लड़के में भेदभाव नहीं करने का भी आग्रह किया। बालिकाओं को भी लड़कों की तर्ज पर उच्च शिक्षा प्राप्त करवा कर शिक्षित बनाने का आह्वान किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही जनसमय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।